हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लकीज़ पुणे। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो होंडा सिटी, ये अब मेरे यहाँ से पेंट होके बाहर निकला हुआ है। अब इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसको कैसे पेंट किया और स्टार्टिंग में ये गाड़ी क्या कंडीशन में था। ऐसा ये गाड़ी ज़्यादा मेजर डैमेज गाड़ी नहीं था, ये आप देख सकते हो, ये करीब 10 साल जूना गाड़ी है। इसका पेंट हर जगह से डल हो चुका था, बम्पर्स और फेंडर और कुछ जगह पे रनिंग बोर्ड में सब जगह हल्का फुल्का डेंट आया हुआ था। अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि जो जो पीस में डेंट है उतना ही निकाल के चाहिए। ऐसे करने से पर्ल वाइट कलर में जल्दी से कलर मैच भी होता नहीं है और खर्चा करने के बाद में कस्टमर को उतना सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप इस गाड़ी को बाहर से एक ओवरकोट करके दीजिए, तो कस्टमर एग्री हो गए और हम लोग इस गाड़ी को ओवरकोटिंग करा के दिए। अब ओवरकोटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ये कैसे कंप्लीट होता है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओवरकोटिंग व्हीकल का जितना भी छोटे मोटे जितना भी डेंट्स रहता है ये सारे डेंट हमने निकाल देते हैं। ये देखिए, इसका डेंट निकाला हमने, वही बम्पर को रिपेयर किया और उसे फिनिश किया। जो लाइट्स इसका अच्छा ही था तो उसी को हमने सेट कर दिए। इसका हैंडल्स भी हमने एक्चुअली निकाले नहीं थे, क्योंकि ये होंडा सिटी का हैंडल अंदर से निकालने के बाद फिटिंग प्रॉपर कभी होता है कभी दिक्कत देता है, उसके लिए हमने उसका हैंडल निकाले नहीं थे। एज इट इज़ हमने उसको पेंटिंग को लिए थे। बाकी जितना भी डेंट है हमने सारा डेंट निकाल के बम्पर गैप्स, फेंडर गैप्स सब प्रॉपर तरीके से सेटिंग करके लिया। फिर इसके ऊपर लाम्बिक का कोटिंग किए, जहाँ भी डेंट निकालते हैं वहाँ प्राइमर मार के लाम्बिक टचअप करना पड़ता है और उसके ऊपर हल्का फुल्का जो भी डेंट रहता है उसको पीओ पुट्टी लगा के फिनिशिंग करते हैं। देखिए, इसके अंदर अभी लंबी पुट्टी का काम हो चुका है। अब इसका बॉडी लाइन पूरी तरह से क्लियर है। फिर इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट गाड़ी को प्राइमर कोटिंग करके ले लिया। देखिए, बाहर से फुल गाड़ी को प्राइमर कोटिंग किया हुआ है। प्राइमर कोटिंग करने के बाद फिर इसको 600 नंबर का पेपर से हल्के हाथ से घस के फिनिशिंग करके देते। एक दिन गैप छोड़ने के बाद दूसरे दिन हम इसके ऊपर पहला कोट पेंटिंग स्टार्ट किया। ये जो फर्स्ट कोट मारा है ये बेस कोट है, क्योंकि ये गाड़ी पर्ल वाइट कलर का था। देखिए, ये सारा गाड़ी के ऊपर हमने एक कोट कंप्लीट बेस कोट मार के लिए। बेस कोट मारने के बाद अगर गाड़ी के अंदर कहीं भी हल्का सा स्क्रैचेस रहेगा या पेपर का मार्क, वाटर मार्क या पेंट के अंदर या लंबी पुट्टी करते समय कहीं छोटी सी स्क्रैचेस, होल मार्क ऐसा कुछ रहेगा तो हम उसे एकदम बारीकी से चेक करते और उसके ऊपर चेक पुट्टी टचअप करते हैं। देखिए, यहाँ जो भी बारीक बारीक स्क्रैचेस कुछ दिख रहा है एकदम माइनर, माइक्रो क्रैक्स बोलते हैं इसको हम लोग, उसको भी हम लोग माइक्रो पुट्टी भर के फिनिश करके लेते हैं, क्योंकि एक बार एक कोट होने के बाद वो सब क्लियर दिखाई देता है। फिर दोबारा पेंट होने के बाद हम उसके उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए, हमने इसको सारे जगह से चेक करके लिया। फिर हमने इसके ऊपर सेकेंड कोट पेंट और थर्ड कोट पेंट मारना चालू कर दिया। अब इसके ऊपर लगातार दो कोट पेंट चलेगा, फिर उसके ऊपर दो कोट क्लियर मारेंगे, क्योंकि ये पर्ल वाइट कलर है, इसको पहला बेस रहता है फिर उसके ऊपर पर्ल कोट आता है फिर उसके ऊपर क्लियर कोट आता है। देखिए, इस तरह हमने इसको सारा तीन कोट पेंट मारे और दो कोट क्लियर, जो लैकर बोलते
से 5 कोट मार के हम इस गाड़ी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा हम लोग डिसमेंटल नहीं किया और कोई बॉडी पार्ट्स चेंज नहीं किए, इसके वजह से थोड़ा बजट भी कम हो जाता है। अंदर का फिटिंग्स और अंदर का गाला सब वही है, उसी को हमने क्लीन करके फिनिश किया हुआ है। तो देखिए फाइनली हमारा गाड़ी पेंटिंग होके रेडी हो गया। इसमें आप ग्लोव्स देख सकते हो। पेंटिंग होने के दूसरे दिन हम लोग एक दिन गैप छोड़ के फिर उसको कंप्लीट पॉलिशिंग करके लिया और इंटीरियर क्लीनिंग, अंडर बॉडी क्लीनिंग सब करके लिए अब ये गाड़ी मेरा डिलीवरी के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्तों को जिसे भी ज़रूरत हो सकता है उन्हें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।